आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय की PS2 ने बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान का किया पत्ता साफ, गिरी भाईजान की फिल्म की कमाई। आइए जानते हैं सलमान खान की मोस्ट आउटडेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म PS2 इन दिनों चर्चा में है। एक तरफ PS2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना शुरू कर दिया, वहीं किसी की भाई किसी की जान का कलेक्शन दिन व दिन नीचे गिरता जा रहा है। ऊपर से ऐश्वर्या की फिल्म लुमिया को भारी पड़ गया है। जानते हैं ऐश्वर्या की फिल्म के चक्कर में सलमान को कितना का नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं फरहाद सामजी के निर्देशक में बनी मल्टी स्टार मूवी किसी की भाई किसी की जान 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 3-4 दिनों तक अच्छी कमाई की थी, उसके बाद कमाई का आंकड़ा दिन ब दिन नीचे गिरा। ऊपर से ऐश्वर्या राय की मोस्ट ऑडिटेड फिल्म PS2 भी रिलीज हो गई है, जिसके बाद सलमान की फिल्म का बुरा ही हाल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी की भाई किसी की जान ने दूसरे शनिवार को 3 से 3.5 करोड़ रुपये कमाई थी। वहीं 9 दिन में अभी तक इस फिल्म का आंकड़ा 100 करोड़ भी पार नहीं कर पाया। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बैल की गाड़ी के रफ्तार से भी धीरे चल रहा है। अब मेकर्स उम्मीद लगाए हैं, यानी आज रविवार पर टिकी हुई है, दूसरे रविवार यानी आज जो दिन है रविवार इस पर टिकी हुई है कि क्या ये मूवी दूसरे वीकेंड के संडे को कमा पाएगी। मरी रत्न के निर्देशक में बनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म PS2 बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। फिल्म का ओपनिंग डे कमाल रहा, दूसरे दिन का कलेक्शन भी जबरदस्त आया। PS2 के आगे सलमान की फिल्म पुष्ट साबित हुई। PS2 के आगे किसी की भाई किसी की जान ऑडियंस को सिनेमाघरों में नहीं खींच पाई। दूसरे शनिवार को जहां सलमान की फिल्म का बिजनेस बहुत बेकार रहा, वहीं PS2 ने छप्पर फाड़ कमाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को PS2 बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो इससे देखा जा सकता है कि PS2 सलमान की फिल्मों को पछाड़ते हुए आगे निकल रहा। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।